हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? और मैं प्रीति, अभी आपको देख रहे होंगे कि हम लोग छुपे हुए हैं बहुत अच्छे से। और आज मैं आपको अपने मायके में दिन भर की मस्ती दिखाने वाली हूँ, बिना किसी बात के और बिना किसी इधर उधर की बातों के। तो आज से आप मेरे साथ देखेंगे मेरे और मेरे बच्चों के साथ मस्ती वाला टाइम। यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं, हम यहाँ पर खेल रहे हैं लुका छुपी, और हम सभी बच्चों के साथ छुपे हुए हैं। और हमारा नहाना धोना सब हो चुका है, और क्योंकि उस रूम में अभी खाना वाना बन रहा है और काम हो रहा है, किचन वचन का काम हो रहा है। भाभी किचन में काम कर रही हैं और मुझे जिम्मेदारी मिली है बच्चों को संभालने की, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ जिसमें मेरा बहुत मन लगता है, जो मैं हमेशा से करती हूँ, बच्चों के साथ मस्ती करना। ये मेरा फेवरेट काम है। और ये देखिए, मैं सभी बच्चों को संभाले हुई हूँ और यहाँ लुका छुपी खेल रहे हैं और अब मैं यहाँ खेल के बोर हो चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। तो अब मेरे भैया आए हैं बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने, क्योंकि ये मेरी कैटेगरी का खेल नहीं है। तो अब भैया उनके साथ खेल रहे हैं, और वहाँ घर पे सब कोई उस रूम में एक्चुअली सब खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों का खाना पीना हो गया है हमारा, और हम लोग बच्चों के साथ इधर आ गए हैं। और मम्मी पापा लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं, जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और बच्चे खेल रहे हैं। और क्योंकि भैया के हाथ में थोड़ी चोट लगी हुई है, इसलिए वो डिस्टेंस बना के खेल रहे हैं, और हमारे साथ बच्चों का ऐसे ही मन लगा रहता है और हमारा भी लगा रहता है। और जब तक ये सो नहीं जाते, क्योंकि बारिश का वक्त है और दोपहर में कितना कोई सोएगा, बेचारे सुस्त हो जाते हैं, तो इनका जब तक ये सोते नहीं हैं तब तक ये लोग वहाँ खाली वाले प्लेट में खेलते हैं, और हम भी इनके साथ कोई ना कोई रहते हैं खेलने के लिए। और जब इनमें से कोई सो जाता है तो हम जाके उन्हें छोड़ आते हैं भाभी के पास। एक तरह से अच्छा है, टाइम पास भी हो जाता है और बच्चों का मन भी बढ़ा रहता है। बारिश का मौसम है, कहने के लिए कुछ है नहीं, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, कितना कोई टीवी कार्टून देखता है, बस इसी चक्कर में ये लोग खेल रहे हैं। और देखिए हमारी पूरा दिन का यही दिनचर्या होता है, खेल खेल मस्ती। और अब बहुत देर खेलने के बाद मैं भी काफ़ी थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को सुलाने की कोशिश की जाए, पर ये लोग मेरी कोशिश नाकाम रही और इन्हें नींद ही नहीं आ रही है। तो मुझे वापस आना पड़ा यहाँ, और मैं उनके साथ फिर से फुटबॉल खेल रही हूँ, क्योंकि बाकी के बाबू जा चुके हैं रुद्र और चिकू सोने के लिए, पर ये दोनों की आँखों में नींद नहीं है और ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। और मैं इनके साथ लगी हुई हूँ, क्या करें, जब तक ये नहीं सोएंगे मुझे भी नहीं सोने देंगे या ना रेस्ट करने देंगे। चलो अब इस रूम में चले, अपना रूम में चले, चलो अपना रूम में टीवी देखेंगे, चलो आज डॉगी डॉन देखेंगे, डॉगी डॉन टक्की टक्की, चलो अपना रूम में चलो। अब कहाँ जा रहे भैया, अब कहाँ गई ला? बारिश बारिश होने लगा, चलो अभी अपना रूम में चलते हैं। फैन बंद करो, फैन फैन फैन, ये हो
खुशी हमको दिखती ही नहीं है, इसको आता ही नहीं है। तुमको मना किया इस रूम में आने के लिए? रूम में सामान रखा बेटा, इसमें बिछली छिपकली होगी, छिपकली काट लेगी। चल 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 चल, अभी रूम सेटिंग होगा। अभी टेबल से आ खुशी, अब खेला नहीं होगा बेटा, भाई को चोट लग गया टेबल से ना। देखो कहाँ लगा बेटा, अच्छा उधर टेबल के नीचे कुछ। अच्छा बार बार नोच क्यों रही है उसको? उधर उधर और थोड़ी ही देर बाद ये दोनों भाई भी चले आए, क्योंकि आंखों में इनकी भी नींद नहीं थी और इन लोगों को भी खेलने का सुख है, तो ये दोनों भी अपने मम्मी पापा को सुला के चले आए और पूरा दोपहर इनकी मस्ती चालू रही। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी घर में सो चुके हैं, रेस्ट कर रहे हैं अपने रूम में, और ये लोग मेरे पास आके छुपा छुपी खेल रहे हैं। इनके चक्कर में ये तो नहीं थके, लेकिन मैं थक गई थी। डांस सिखा।